मैं यहाँ पर इतनी देर लगाऊंगी तो मेरे पति महाराज यार कितनी आगे लेकर जाएंगे, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चाचा जी कहाँ है, चलो आगे चलते हैं। पति महाराज रानी का सिरदार होता है। चिरंजीव राव रानी स्वीकार कर रही है। अरे स्वीकार नहीं कर रही है, और यानी स्वीकार किया है इन्होंने। अरे हमारी नानी है। आ, तेरी नानी ना खराब तुम्हारा। यानी हमारी बहू है। अच्छा तेरी बहू है। चलो एक बात समझ में आ रही है, हम तुम तो चक्का भू तोड़ने जा रहे हैं, ये क्यों आई है यहाँ पर? चाचा जी ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये क्यों आई है, और मैं इसके लिए समझा के और अभी घर के लिए भेज देता हूँ मैं। और हम कहाँ चले जाए? अरे तुम 5 मिनट यहाँ ठहरो, अभी आता हूँ। श्रीमान सोविंदा ठेकेदार और इसी का निवासी और देवी एक में 10 रुपए का दान करते देगा। श्रीमान देविंदर प्रधान जी चाचा जी, मैं इसके लिए समझा के और अभी मैं घर के लिए भेज देता हूँ, आप यहाँ पर 5 मिनट जाइए। ऐसा टूट गया चक्कर। श्रीमान हमारे भैया नेम सिंह और इसी का निवासी और देवी एक में 10 रुपए का दान करते दे। लड़ा टूट गया चक्कर। अभी क्या बात है, तू जा रहे हो बहू को समझाने और बहू समझा के तो घर को ले जाए और टूट गया चक्कर। अरे नहीं चाचा जी, हम उनमें के लड़के नहीं, तुम सोचो। अच्छा मामा से कह रहा आप यहाँ पर थोड़ी देर रुको और मैं समझा के दिया। अरे 5 मिनट में आ जाओ। अरे 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं। अगर 5 मिनट में तू नहीं आओ तो 6 मिनट में हूँ आ जाऊंगा। अरे यार तो ले वाला हूँ। अरे मैं खुद आ जाऊंगा, तुम बता रहा हूँ आ जाइए 5 मिनट में। ए रानी पति महाराज आप किस लिए आइए यहाँ पर? आइयो से बात बताऊँ, चाचा बिल्कुल सारा बनाओ। क्या हो गया? मैं मुँह खोले तुम्हारे बात कर रही, तलब देखो आई ऐसी भट्टा से मोले का चला। तुम ये बताओ तुम्हें नहीं कोई शर्म तो है नहीं? क्यों फांसी तो है नहीं? अरे हम जानते ही ना। जसमान भोजपुर निवासी और देवी के जल्दी आइए और नहीं मेरी आदत रानी। कहिए पति महाराज क्या बात है, तुम क्यों आए यहाँ पर? पति महाराज आइयो सबसे बताऊंगी, मेरी बात सुनिए। क्या बात है? अचानक जाने क्यों और ये सगुने अनेक होते हैं। सगुने अनेक होते मेरे करके चूड़ी चटक रहे मेरे नैना। धड़कता है
धनुष बाण को देखी मेरा पति महाराज। अरे तुमने कोई सपना वगैरह देखा होगा? सपना के सुनने देखो ये बताइए, आप ये नए वस्त्र पहनकर और ये धनुष बाण लेकर आप के लिए जा रहे हो? हे रानी, हम कहीं के लिए नहीं जा रहे, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो पति महाराज, आप शिकार खेलने के जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे तुम क्या करोगी ना? और तुम क्या करोगे? अरे मैं शिकार के मारूंगा जाके। अरे मैं उठाएगा रखा दे रहूंगी। हम धो धो के रख कर रहूंगी। देखो फिर आएगा बिल्कुल शर्म ना आए। चाचा जी साथ तो के शिकार खेलने में के मैं उनसे लगूंगी, ये समझ रहा हूँ। देखो ऐसा है, हमने तुमसे मना किया फिर भी यहाँ पर आ गई। तो जल्दी समझा, हम थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। ए रानी, कहिए पति महाराज। तुम सोच रहे हम वो शिकार खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं? हम यानी चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहिए पति महाराज, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए? चक्का भी तोड़ने के लिए? हाँ। और जो मेरे राजा पहले जा चक्का ये तो तोड़ जा, तो भाई चक्का तोड़ जाइयो। बात सही है तुम्हारा क्या? और मेरी बात सुनिए पति महाराज, यानी आप चक्का भी तोड़ने के लिए जा रहे हो? और मेरी बात सुनिए। क्या बात है? और मत लड़ने जाओ भरतार, और भरतार और हमें देर हो रही है।
जा पति माया चले जाओ ना जा जा चले जाओ ना सारी बात खराब है ओ तो ना मैं पता ना बात तेरे खाना रखियो मेरी बहुत चले खाना कुत्तोला तो मेरा कल काले हो गया सब कह रहा मेरी धरी रही तू मैं तुम्हारे कह रही हूं ले लेके किनारे के अरे मेरी बात कौन है तो टप्पू होता तो अरे बड़े नसीब वाले बच्चे हैं अरे ये ना सवाल जिसकी मम्मी वो मिटेगा क्या और देखो आदि भैया वाले को लड़ाई लड़ाई हां भैया कोई लड़ाई नहीं एक बात बता दो तो एक काम कर अरे चाचा जी देखो सुनूंगा उसको अब मैं मारूंगा आप पीछे हट जाइए पता चलेगी कहिए पति महाराज सुनाइए हे प्यारी तू रब से रोके हे प्यारी तू रब से रोके तू मेरा धर्म डिगाती है नैनों से नील भाती है त्रिया जाए अर्जुन का नाम कान सुनकर क्षत्रिय कल हो जाते हैं हम उस क्षत्रिय के वाले में समझते नहीं मैं छत्री का बालक होकर रण से मुखड़ा मोड़ू में गरीब में तुमको छोड़ दूं पर धर्मना सारे पूछ मारे ढोलिया सारे बहुत 50,000 रुपया ब्याह में लगे।